बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का टॉपिक है जी हमारा चैप्टर नंबर 7 के हवाले से, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम पीछे चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर जो है वो फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको आप टच कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर नॉन फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं या प्रोग्राम्स होते हैं उसका एक सेट होता है जो कंप्यूटर्स को जो है वो ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये इस चीज़ के बारे में है, और स्पेशली ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, ये जो यानी ये 7 चैप्टर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। अब इसमें देखो साइनोप्सिस में, इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हम सॉफ्टवेयर के बारे में ही हम स्टार्ट करेंगे कि सॉफ्टवेयर इटसेल्फ जो है वो क्या है। इसमें ज़रा पीछे जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में किया था उसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर ज़रा एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हम ज़रा इसको एक्सप्लोर वे में जो है वो उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर हम दो इसमें जो चीज़ें हैं इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और दूसरा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आपका OS आ जाता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो GUI और CLI जो है ये दोनों आ जाते हैं। यानी GUI और CLI ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है ये दो एनवायरमेंट्स हैं जिनको हम जो है वो देखेंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट ये क्या है। और यहाँ पे आप देखें कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो ड्राइवर्स होते हैं ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, और जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी इनको कहा जाता है ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है ये पार्ट होता है। तो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स और यूटिलिटी प्रोग्राम्स ये तीनों जो हैं ये एक ही है, यानी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इसके अंदर दो तरह की कैटेगरीज इसमें शामिल की गई हैं, एक का नाम है कस्टम बिल्ट और दूसरी का नाम है पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। तो इनके बारे में हम देखेंगे ये क्या है, और उसके बाद नेक्स्ट जो हम जो टॉपिक है चैप्टर टॉपिक 2 उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द वर्किंग, यानी इनके काम के अतबार से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उनकी टाइप्स। ये जो एग्जांपल्स ये यहाँ पे कैटेगरीज लिखी हुई है उनकी वर्किंग, यानी किस तरह का काम कर रहे हैं, तो जैसा वो काम कर रहे हैं जैसे उनकी वर्किंग है, जैसा उसका फंक्शन है उसके एतबार से ये जो है SUOS आप इसको कह सकते हो, ये MUOS, MUOS एंड NOS एंड BPOS एंड RTOS एंड TSOS, ये कुछ कैटेगरीज हैं। ये TSOS भी हम कहते हैं, RTOS भी कहते हैं, BPOS भी कहते हैं, और NOS भी कहते हैं, MUOS भी कहते हैं, जिस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर लो। तो ये असल में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आपकी परेशानी यहाँ पे सिंपल तोड़ दूँ यहाँ पे ये कह के कि ये जो SUOS है ये लिख समझने में अजीब सा लग रहा है कि यार ये क्या क्या होगा, क्या बला होगी, ये बला कोई नहीं है, ये असल में क्या है, ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इसको एक यूज़र एक वक्त में इस्तेमाल कर सकता है। तो यानी ये सिंगल यूज़र को जो कंप्यूटर्स होते हैं उसको ये सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल में इसमें मुझे इसकी बताने की फिर ज़रूरत नहीं है, ये SUOS है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये जो MUOS है ये फिर हुआ, कमेंट्स में लिखिएगा अगर आपको इसकी एब्रिवेशन पता चल गई हो तो। तो इस तरह करके ये है, तो हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें हम इसको देखेंगे। और तीसरा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और नेक्स्ट है जी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये टॉपिक होगा चौथा हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का। और जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं ये चूँकि हमारी जो लैंग्वेज है वो आप कह लो उर्दू इंग्लिश जैसे हम बोलते हैं, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज ये नहीं है, ह्यूमन लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज एक ही है। तो बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अब कंप्यूटर में हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे हम अपनी लैंग्वेज में देंगे तो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो उसको उसे कन्वर्ट करना होता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, उसके लिए ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो ट्रांसलेटर्स होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर, और एक होता है इंटरप्रेटर। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये हमारी नेक्स्ट टॉपिक की बात होगी, तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, अभी सिर्फ साइनोप्सिस। उसके बाद पांचवा टॉपिक होगा डॉस के बारे में। डॉस क्या है, एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने ऊपर बात की ना CLI कमांड लाइन इंटरफेस,
तो ये उसकी एग्जांपल आप कह लें डॉस। तो इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, कमांड्स टाइप की जाती हैं, तब कंप्यूटर से काम लिया जाता है, और कंपैरेटिवली विंडो के मुकाबले में ये ज़्यादा रिलाय इस सेंस में होता है कि वायरस इसके अंदर अटैक नहीं करता। उसके बाद अब इसमें डॉस की ही आगे सारी बात है। डॉस की हम फाइल्स के बारे में बात करेंगे कि डॉस की फाइल्स कौन सी होती हैं। तो डॉस की फाइल्स होती हैं तीन तरह की, एक को कहा जाता है बैच फाइल्स, एक को कहते हैं कमांड फाइल्स, और एक को कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। अब ये तीनों क्या फाइल्स हैं, इसके अंदर इनमें कौन कौन सी फिर आगे कैटेगरीज लिस्ट आती है, कमांड फाइलों में कौन कौन सी डेटा आता है, और एग्जीक्यूटेबल जो फाइल्स होती हैं इनके अंदर किस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, ये हम सारी बात जो है वो देखेंगे। और मेरा ख्याल है टॉपिक यहाँ पे हाँ ऑब्वियसली एंड हो गया, क्योंकि नीचे टॉपिक हम जो है वो उसकी स्टार्ट हो रहा है टॉपिक वाइज। तो जो आखिरी जो टॉपिक है वो है डॉस कमांड के बारे में। तो जो डॉस कमांड हैं वो हम देखेंगे कि ये दो तरह की होती हैं, या तो डॉस कमांड इंटरनल होती है और यह एक्सटर्नल होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल को अगर आप समझना चाहें इन शॉर्ट अभी के लिए, तो आप इतना कह लें जैसे फंक्शंस बिल्ट इन और यूज़र डिफाइंड होता है ना, इस तरह की ये है। तो इंटरनल जो होता है वो पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, पहले से मौजूद होती है, और जो एक्सटर्नल होती है वो पार्ट नहीं होता, उन्हें आपको लोड करना पड़ता है खुद से, क्रिएट करके उनकी फाइलें जो है वो जनरेट करनी पड़ती हैं। तो ये इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी आसान तरीके से जो है जो इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह थी वो हमने इसके अंदर इंक्लूड की हैं। तो वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ये चीज़ें हैं ये आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो ये था हमारा टॉपिक, और ये चैप्टर था बिल्कुल जो आप कह लें कि एंड था चैप्टर का। तो 7 मिनट के अंदर आपको ये सिनॉप्सिस जो है वो सारा बता दिया गया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जिसको लाइक करें, और अच्छी नहीं लगी तो उसको कर दें डिसलाइक। और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।